करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मेले में नियुक्ति पत्र और टैबलेट वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेले में विभिन्न कंपनियों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नेता भी मेले में शामिल होंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा और अपने जनपद के माननीय मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ पर एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और बृहद रोजगार मेले के साथ साथ जो है ऋण महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बैंकों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है और कुछ अन्य लाभार्थी परक योजनाओं में भी लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ पहुँचाने का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और तकरीबन 10,000 जो यहाँ के नौजवान और छात्र छात्राएं हैं उनके जो प्रशिक्षु लोग हैं कौशल विकास मिशन के माध्यम से भी और अन्यथा भी उन सब लोगों के लिए 10,000 करीब युवाओं के लिए रोजगार सृजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बृहद रोजगार मेला लगा रहा है और उसमें तकरीबन 35 से 50 कंपनियां आ रही हैं जो प्रतिभाग करेंगे। ये करहल तथा इसके जनपद के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आयोजन है, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरे अन्य लाभार्थी परक योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। सर, क्या जनपद के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा क्या? नहीं, अपने जनपद के लिए कार्यक्रम रखा गया है, अपने जनपद मैनपुरी के लिए एक करहल में कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि विशेष रूप से इस जनपद के लोगों का भला हो, उनका उत्थान हो, जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित किया जा सके, जो ऋण योजनाएं हैं जिनको उनको उनसे आच्छादित किया जा सके, इसके लिए एक सामूहिक रूप से जो है इन योजनाओं को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे और उप प्रतिभा।